आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी गैदरिंग इस माहौल में किया है आपने। तो साथियों, जो आज का विषय है 13 पॉइंट रोस्टर के विषय में मुझे बोलना है। तो 13 पॉइंट जो रोस्टर है साथियों, एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो अधिकार था वो छीन लिया गया है, और किसके द्वारा छीना गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी जो जजमेंट था, इलाहाबाद हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, और उसके बाद आपका अधिकार आपसे छीन जाता है। संविधान ने आपको संवैधानिक अधिकार दिया, रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, अपलिफ्टमेंट नहीं है। बहुत लोग इस गलतफहमी में है कि रिजर्वेशन से हमारा अपलिफ्टमेंट होता है, हमारा अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, यह हमारा रिप्रेजेंटेशन का एक माध्यम है, सिर्फ माध्यम। और मैं आपको बता दूं कि आज देश में 130 करोड़ जनसंख्या में आपके पास आज के दिन सिर्फ 2% जो है सरकारी नौकरियां मौजूद हैं। तो 130 करोड़ की जनसंख्या में जो 2% नौकरियां प्राप्त हैं, बाकी जनता क्या करती है आप सोच सकते हैं। बाकी जो पब्लिक है वो भी अपना जीवन बसर कर रही है और अच्छा कर रही है। तो साथियों, जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारा रिप्रेजेंटेशन का माध्यम है, ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जो कोई भी आएगा छीन लेगा, और जो कोई भी आएगा वो किसी को भी मार देगा। तो इसीलिए जो बाबा साहब ने हमें संविधान तो दिया, पर हम अपने संविधान, बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस गैदरिंग में, इस हॉल में बहुत अच्छी गैदरिंग है, और हमारे सारे अतिथिगण भी आज मौजूद हैं, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, हमारे एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारी जो उच्च न्यायपालिका और उच्चतम न्यायपालिका हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, हमारी भागीदारी कम है। इसका एकमात्र कारण जो है, हमारा जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए वो नहीं है, एकमात्र कारण है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि मैं इस वकालत के पेशे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको वकालत की ही बात करूंगा। हालांकि प्रोफेसर साहब मौजूद है, वो आपको विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा, मैं उसको नहीं उसकी चर्चा करना चाहता हूं, कि मुझे लगता है कि जो प्रोफेसर साहब हैं वो बेहतरीन बता पाएंगे 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, क्यों है, वो सर ही बताएंगे, उनके लिए मैं छोड़ देता हूं। मैं आपको लीगली इसकी जो है लीगल कमियां हैं वो मैं इस पर चर्चा करूंगा। साथियों, आज की डेट में हमारे पास जो है पूरे भारत में जितने हाईकोर्ट है उसमें जो जजेस की संख्या है वो है 1079 जो है पदों की संख्या है हाईकोर्ट जजेस की, और उसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है आज की डेट में 21 है, मात्र 21 जज जो है हमारे हाईकोर्ट में है आज की डेट में मौजूद, मात्र। हमारा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए? 21%। तो 1079 21% निकालते बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में 2010 के बाद हमारा कोई जज नहीं है, हमारा कोई भी शेड्यूल ट्राइब का जज नहीं है। माननीय केजी बालाकृष्ण साहब के रिटायर होने के पश्चात 2010 से आज 19 आ गया, 9 साल होने जा रहा है आपको। 9 साल में आपके समक्ष जो है एससी एट्रोसिटी एक्ट आया, एससी एट्रोसिटी एक्ट का जो फैसला है कौन करेगा? हमारे अपर कास्ट करेंगे क्या? वो हमारे हितैषी हैं, वो तो हमारे बारे में जानते तक नहीं है। वो मैं जजमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट। मैं अपने जो है सामान्य वर्ग के सामान्य साथी से बात करता हूँ, उससे जो जागरूक मेरा साथी है उससे बात करता हूँ, भाई रिजर्वेशन क्या होता है? कहता साहब ये तो रिप्रेजेंटेशन का मामला है। तो मैंने कहा जज साहब ने तो अपलिफ्टमेंट लिख रखा है कि जो रिजर्वेशन है वो अपलिफ्टमेंट हो रहा है इससे, और वो ये लिख रहे हैं कि रिजर्वेशन से जैसे ही वो रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति वो क्रिमिनल एयर में आता है तो अनटचेबिलिटी और बैकवर्डनेस से बाहर हो जाता है। वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी और बैकवर्डनेस से बाहर हो जाते हैं। अभी 2018 में जजमेंट आया जगलेन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके पैरा 26 में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं अपने वकील साथियों से कहूंगा, प्रोफेसर साहब से कहूंगा कि एक बार वो जगलेन सिंह के जजमेंट का 26 पैरा पढ़ लीजिएगा, 2018-10 SCC, पेज नंबर याद नहीं है मुझे, उसको आप देख लीजिए जनरल सिंह का। उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे ही आप क्रिमिनल लेयर में आते हैं, जैसे ही आप IAS PCS बनते हैं या कोई बड़ा अधिकारी बनते हैं, आप क्रिमिनल लेयर में आ गए, आपके अनटचेबिलिटी और आपका जो है बैकवर्डनेस खत्म हो जाती है। तो ये हमारे जो है
हमारी जुडिशरी की मानसिकता है। इसीलिए साथियों, मैं तो बहुत पहले से ही लोगों को बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। मेरा कार्य जो है मेरे समाज को अवेयर कराना है। आज हमने बहुत सारे अधिकारी पैदा कर दिए हैं, IAS भी हैं, PCS भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बहुत सारा समाज है मेरा, हर फील्ड में पहुंचा हुआ है। और हमारे हमारे साथ के लोग जो है लॉ भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है लॉ नहीं करते, लॉ भी करते हैं, बट उनके पीछे क्या है, एक अपने पेट को पालने की चिंता रहती है सिर्फ। उस पेट को पालने के लिए, उस पेट को बचाने के लिए वो मेरा जो होनहार छात्र है वो भी कहां चला जाता है, जुडिशरी में। कौन जुडिशरी में? लोअर जुडिशरी में। वो क्या बनता है? मुंसिफ जज बनता है, डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं साथियों, मैं बता दूं, इसको संविधान को टच करने की पावर भी नहीं है। तो आपको जो अधिकार मिलता है वो संविधान के द्वारा मिलता है। आपका जो फंडामेंटल राइट जो गवर्न होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं। उसको टच करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसको है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। यदि मेरे किसी व्यक्ति का, मेरे किसी भी देश के नागरिक का मानव अधिकार का हनन होता है तो वो क्या करता है? वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, आर्टिकल 32 में। वो डिस्ट्रिक्ट जज में नहीं जाता है। तो आज मेरे जो जितने मेरे यहाँ जितने साथी बैठे हैं, मुझे लगता है सब के सब संपन्न है। यदि आप अपने बच्चों में से एक को जुडिशरी में भेज दो और उसको 3 साल सपोर्ट कर दो, सिर्फ 3 साल सपोर्ट कर दो, मैं साथियों में बता देता हूं कि ये समस्या नहीं आएगी आपके सामने, ये समस्या नहीं आएगी। और यूपी में जो लाखों लाखों लोग रिवर्ट हुए वो समस्या नहीं आएगी। 2011 से लड़ाई लड़ते 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 जो है 2018 में जजमेंट आया 5 जज का, जर्नल सिंह का। उसमें कहा गया है कि जो एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन की बात इंदिरा सानी में किया गया और जिसके द्वारा ये रिवर्ट हुए वो गलत था फैसला। अरे भाई, आपको रिवर्ट 2.5 लाख लोगों को रिवर्ट करने के बाद ख्याल आता है कि वो फैसला गलत है, तो आप रीस्टोर करो उनको। उसकी भी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और मैंने लड़ा है, कई साथियों को हमने रीस्टोर कराने का एक प्रयास किया है। तो जो साथी आए उनको रिस्टोर किया गया, उसका लाभ मिला। और 2018 में जजमेंट आया आपके सामने कि वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो बात करता है एडिक्वेट नंबर की, वो जरूर नहीं है, वो ऑलरेडी बैकवर्ड है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास हमारा, वो ऑलरेडी बैकवर्ड है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो साथियों, मैं ये अपने जो लीगल नॉलेज है उसी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, यदि हमारे अधिक से अधिक छात्र, अधिक से अधिक भाई बंधु, अधिक से अधिक मेरी बहनें यदि इस फील्ड में आती हैं और हाई कोर्ट से वकालत स्टार्ट करती हैं, जो हाई कोर्ट की वकालत होती है साथियों आर्टिकल 226 से शुरू होती है। आर्टिकल 226 में आपके पास जो जो भी समस्या है, मेरा बहुत सारे साथी मेरे जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में है, रिजर्वेशन की बदौलत, पर रिजर्वेशन की बदौलत सरकारी नौकरियों में है, बट उनको सरकारी नौकरी में जो सरकार के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट्स नहीं हाई कोर्ट में। जो एडवोकेट्स हैं तो उनको भी हमारे साथी विश्वास नहीं करते। हमारे पास साथियों, मैं आपको बताऊं, आज की डेट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र मौजूद हैं जिनकी इतने बढ़िया इंग्लिश है, इतनी मेरिटोरियस है, हमारे बच्चे इतने मेरिटोरियस हैं कि दूसरे लोगों के आगे फेल हो जाते हैं। बट क्या है कि थोड़ा उनको डर रहता है, मानसिकता थोड़ी ऐसी है कि हमें रोजगार के लिए चाहिए, कुछ ना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, आप 3 साल अपने बच्चे को सपोर्ट कर दीजिए, 3 साल उसकी फाइनेंस कर दीजिए बैकिंग के लिए। बेटा, जिस तरह हमने तुमको पढ़ाया है, 3 साल और मैं तुमसे नहीं कुछ मांगूंगा, तुम जाओ और इस फील्ड में लग जाओ। एक 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 छात्र से, एक एक घर से, एक एक वकील पैदा हो गया। साथियों, मैं बताता हूँ, आपकी सारी समस्या समाप्त। आप आजकल जो भी लॉ देखते हैं वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करके आपको अपने अनुसार इंटरप्रेट करके बताता है कि ये है लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं होगा, 49.5% रिजर्वेशन है, और कहते हैं कि इससे अधिक रिजर्वेशन देना पाप है। तो ये 10% कहां दे दिया आपने? ये आपने 10% कहां से दे दिया? इंटरप्रिटेशन कर दिया, आर्टिकल 46 का इंटरप्रिटेशन किया। आर्टिकल 46 साथियों ये कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट दैट बैकवर्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ द क्लासेस। तो वीकर सेक्शन जो क्लास है उसकी डेफिनेशन क्या है? जो वीकर सेक्शन की जो डेफिनेशन है साथियों, वो इंदिरा सानी 9 जजेस का जो जजमेंट है संविधान पीठ के द्वारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वीकर सेक्शन कौन है। उसमें कहा गया भी जो वीकर सेक्शन वो है शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के अलावा जो बैकवर्ड है,
उनको है, वो कौन है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो वीकर सेक्शन है, ये अपर कास्ट नहीं है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इकोनॉमिक तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। और इसको जो है इंदिरा साहनी ने ऑलरेडी जो है 1992 में बोला था और 10% आरक्षण को भी निरस्त कर दिया था, फिर इस सरकार ने कैसे दे दिया? आप पढ़ना उसको एक बार, पढ़ना क्या हवाला दिया है, क्यों उसने जो है वो 10% दिया है, तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा कि ये जो 13 पॉइंट रोस्टर है, ये 13 पॉइंट रोस्टर विश्वविद्यालयों का, इसको कैसे इन्होंने चला के छीना है। चला के कोई नहीं छीना है, इन्होंने इंटरप्रिटेशन करके छीना, और कोई बात नहीं है। और जो मैं जागरूकता आज देख रहा हूँ साथियों, जो ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय भी यदि कुछ मेरे साथी जागरूक हो जाते, हो सकता है ये नौबत ना आती, हमारे प्रोफेसर साहब कुछ एक्टिव हो जाते उस समय, तो ये नौबत ना आती मेरे ख्याल से, जो उसको रिजल्ट जो जजमेंट के बाद किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पढ़ रहा था, उसकी लड़ाई वही लड़नी थी और उसी तरीके से लड़नी थी, तो मुझे लगता है वो हमारा अधिकार हासिल हो सकता था। तो साथियों, ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपको बतानी चाहिए, और मैं जहाँ मैं जाता हूँ अपनी लीगल बातें ही करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरा समाज जो है इस लॉ प्रोफेशन में आए। मैं 2002 से इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ में जो प्रैक्टिस किया, 2005 सुप्रीम कोर्ट में हूँ, और मैंने अपने आपको समाज को एकदम निछावर कर रखा है। आपके अयोध्या मैटर में मैंने पिटीशन फाइल कर रखी है, उसमें मैंने बोला है कि जो अयोध्या लैंड है वो अयोध्या बुद्धविहार है, और इट डिक्लेयर अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट। आप उसको सबको खोल दो, पूरे देश के लिए दे दो, और उसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट बना दो। एक पत्रकार ने साथियों पूछा कि साहब ये क्या आपने बुद्धा लैंड डाल दिया है, आप क्यों बुद्धा लैंड की मांग कर रहे हो? मैंने कहा सर, ये बुद्धा वालों ने और जो बौद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने देने का काम किया है। बुद्धा ने दिया है और मैं भी देने का काम कर रहा हूं। मैं तो अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक रास्ता सुझा रहा हूं कि आप जो है ये लड़ाई जो है ये बहुत समय तक चलती रहेगी, इसका एक मध्यम मार्ग है ये, आप उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दो अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट। जो मैंने हवाला दिया, कोर्ट ने इसको माना और इसको एडमिट कर लिया है। क्यों एडमिट किया है, क्यों साथियों? क्योंकि मैंने जो हवाला दिया है वो माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हुआ था वो 3 वॉल्यूम में है, शायद 5000 पन्नों का जजमेंट है। उसी जजमेंट से मैंने निकाला है कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये बुद्धा की लैंड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें शामिल किया गया है कि ये बुद्धा की लैंड है, ये लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पे निवास किया था, 6 वर्ष यहाँ निवास किया था। तो आप इसके तहत ये बुद्धा लैंड डिक्लेयर कर दो, वो पिटीशन मेरी एडमिट है और उसकी 26 तारीख को सुनवाई भी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमें हासिल होगा, हमें अपनी जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो हमें हासिल होगा। अभी जो मैं बताऊँ आपको, सोमवार को जो है 10% आरक्षण का मैटर भी लगा हुआ है। अब देखना इसमें कैसे तमाशा होता है। 25/1/2019 को, 25 जनवरी 2019 को मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इशू नोटिस कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रिटर्नेबल विद इन 4 मंथ। तो रिटर्नेबल विद इन 4 मंथ मतलब 4 हफ्ते बाद, तो हमारे पास वापस लाओ, मैं स्क्रूट नहीं करूंगा, पैसे करता हूं। अब यहां जो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है साहब, उसने बड़ी चलाकी से इसकी डेट क्या दे दी, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल की डेट देता है और छोड़ देता है। जब ये सूचना मुझे मिली कि यार ये वो डेट हमारा 25/2 की थी, फरवरी की थी, ये अप्रैल में कैसे चली गई, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको लिखा है कि रिटर्नेबल विद इन 4 वीक, तो इसको कौन है, किसकी मजाल है जिसको चेंज कर दिया है? हालांकि चेंज कर दिया था, मैंने जाकर उसको मेंशन किया, मैंने कहा साहब ये क्या है, ये तो आपने ऐसा लिखा था, ये तो ऐसा हो रहा है। रजिस्ट्री को भनक लगते ही उसे तुरंत डेट जो है मंडे की लगा दी और लिस्ट आ गई। तो साथियों, हमें ये कैसे पता लग रहा है, जब हम वहां हैं तभी तो पता लग रहा है, यदि हम नहीं होंगे तो कैसे पता लगता, बताइए आप। मैं चाहता हूं ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो भी घटनाएं घट रही है उसकी सूचना मेरे वो गरीब भाई जो गांव में रहता है उस तक पहुंचे कि तेरे साथ जो अन्याय हो रहा है ये है ये अन्याय, ताकि वो उसकी आवाज सड़क पर उठाए और ताकि पार्लियामेंट बाध्य हो जाए इस काम को रोकने के लिए। साथ तो इसलिए हमारा प्रयास है कि हम जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और हम अपने अधिकारों को, अपने लोगों को उनका अधिकार प्राप्त करने में मदद करें। हम ज्यादा ज्यादा पहुंचते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी और आपको सारे आपको अधिकार मिलेंगे जो संविधान के द्वारा दिया गया है। हम साथियों, हम जो है संविधान को चलाने के लिए है, हम संविधान का पालन करने वाले हैं, हम कोई हिंसा विश्वास नहीं करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है हमें उसी के द्वारा अपने अधिकार प्राप्त है, उसके द्वारा ही लेना है। हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है,
हमारी लड़ाई हमारे विचारों की है और किसी की नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति का सम्मान करना है, हर व्यक्ति हम चाहते हैं कि उसको डिग्निफाई जो है तरीके से वो अपना जीवन यापन करे, संविधान में जो उसको अधिकार प्राप्त है उसके द्वारा उसको जीने का अधिकार मिले। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।